सर, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। सबसे पहले तो आपको मालूम है साइन ये भाई, साइन होता है पी बाई एच, कोसेक होता है एच बाई पी। तो हमें ये मालूम है बेटे कि साइन थीटा इज वन अपॉन कोसेक। इन द सेम वे कोसेक थीटा इज वन बाई साइन, सेम कॉस थीटा इज वन बाई सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज वन बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इज वन बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज वन बाई टेन थीटा। तो सिक्स फॉर्मूलाज तो ये हैं रेसिप्रोकल्स। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर टेन थीटा इज, टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गए एट फॉर्मूलाज। अब जरा यहां देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास क्या है। सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमेशा के लिए इंशाल्लाह फिर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की जरूरत नहीं, हमें मालूम है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है साइन थीटा पी बाई एच होता है, एंड हमें मालूम है कॉस थीटा बी बाई एच होता है। सब बच्चों को मालूम है ना ये, ठीक यस सर। है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इनका स्क्वायर करिए और इनको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आएगा क्या। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हम बस। तो यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एलसीएम, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चा मुझे बताएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। एच स्क्वायर एच स्क्वायर, मेरे पास आएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या होता है, वन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। तो इसको हम एज इट इज लिख लेते अभी तो ऐसे ऐसे तो बैठी हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। ये मेरे पास है। अब जरा ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम टू मोर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप बेटे कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर आप साइन को इधर ले आओ, तो फिर आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। बेसिकली ये एक तरह से तीन फॉर्मूलाज हुए, ठीक है सर। आप जरा ध्यान से देखो,
हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, वो आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मूले को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 1, कॉस अपॉन साइन इज कॉट एंड 1 अपॉन साइन इज कॉस। तो एक नया फॉर्मूला ये आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर। तो इससे फिर हम दो नए फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, 1 को इधर ले जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड अगर कॉट को इधर ले जाओगे तो कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो दीज आर न्यू 3 मोर फॉर्मूलाज, 3 + 3 = 6, एंड अगेन हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपसे कहा है सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अगर हम इसको डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर cos square upon cos square 1 upon cos square। now sin square by cos square 10 होता है, sin by cos is 10 but cos square by cos square 1 1 by cos is sec। so again there is a very important formula, tan square theta plus 1 is equals to sec square। या हम जो कहते हैं, हम कहते हैं कि 1 plus tan square theta फॉर्मूलाज अगर आपकी शीट पे होंगे तब आप इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा है, साइन रेसिप्रोकल इज कॉसेक, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, टैन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एंड वाइस वर्सा, कॉसेक इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन इज रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन इज साइन बाय कॉस। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, उम्मीद भी मत करिएगा कि आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड थ्री जो हमारे पास फॉर्मूलाज आए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस। तो ये हमारे पास है, तो इन तीन से दो दो फॉर्मूले और बनते हैं, तो 9 और 8 17। यहाँ ध्यान से याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, स्क्वायर्स में साइन का रिलेशन कॉस से, रिश्तेदारी जो है स्क्वायर में साइन कॉस की, टैन के साथ सेक है और कॉट के साथ कॉसेक है। तो ये अगर आपके पास फॉर्मूले शीट्स पे लिखे हुए हैं, एटलीस्ट जब तक याद नहीं हो पाते तो फिर हम क्वेश्चंस करूंगा। Allah.